लिए भाई मेहरबान हो, ये बात आपके बीच में प्रसन्न होगा शहीद आजम सरदार भगत सिंह। मेहरबान हो, देश को आजाद कराने के लिए सैंडर्स की हत्या कर देते हैं भगत सिंह, असेंबली में बम डाल देते हैं, अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। कहने लगे रे भगत सिंह तूने हमारे साथ में बगावत की है, इसीलिए दुनिया की कोई ताकत तुझे फांसी के फंदे से रोक नहीं सकती। तो प्रेमियों बहुत गर्व होता है भगत सिंह के उन शब्दों को सुनकर, कहने लगा रे मैं बगावत ही क्यों करता अगर फांसी का डर होता। प्रेमियों मैं बगावत ही क्यों करता अगर फांसी का डर होता, चढ़ाता भेंट माता की अगर एक और सर होता। जेल में माँ पहुंच जाती है भगत सिंह की, बहुत खुश होती है माँ भी, अपने लाडले के सारे कर्मों को देखकर समझ जाता है कि आज माँ से आखिरी मिलाई है। कहने लगे भगत सिंह के माँ आज आप उदास क्यों हैं? बेटे मैं उदास नहीं हूँ, किस तरह खुशी देखना चाहता है मुझे तू। माँ जीवन में एक बार तुझको मैंने खुश देखा था, जब परिवार में भाई की शादी थी तो तूने आगड़ पड़ोसन चाची ताई सारी इकट्ठी कर रखी थी और बहुत सुंदर मंगल गीत गाए थे माँ। आज भगत सिंह भी दूल्हा बन रहा है, आजादी को ब्याहने के लिए जा रहा है, इसीलिए निवेदन है माँ खुशी खुशी सारी आगड़ पड़ोसन चाची ताई सभी को बुला कर ले आओ और मंगल गीत गाकर अपने लाडले को विदा कर दीजिए। आइए क्या कहता इन शब्दों के माध्यम से कैसे है? मुझे मंगलाचार सुना दे और न्यू। कहने लगे भगत सिंह कैसे? अरे जाते जाते भगत सिंह के गीत खुशी के गा दे, और जाते जाते भगत सिंह के गीत खुशी के गा दे। ये सारा देश कहेगा जीते जी दिखे जीते जी ना कोई लाल अब माँ पे ठेस हैगा, और जीते जी ना कोई लाल अब माँ पे ठेस हैगा। अरे कुर्बान करूँ शरीर वतन पे कुछ ना शेष रहेगा, थोड़ी देर में देख लियो मेरा कैसा भेष रहेगा, थोड़ी देर में देख लियो मेरा कैसा भेष रहेगा। मारी एक फुट सीना बढ़े खुशी में, एक फुट सीना बढ़े खुशी में, तो गौरों को बता दे। और जाते जाते भगत सिंह के गीत खुशी के गा दे, जाते जाते भगत सिंह के गीत खुशी के गा दे। और देखे भाई मेहरबानों, हमारी श्रागणी पर खुश होकर हमारे बड़े भाई और जिला पंचायत सदस्य धोलाना भाई आनंद नागर जी 3100 रुपए से हमारी पार्टी को सम्मानित कर रहे हैं। नागर साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आनंद नागर जी। और जननी मातन जन
जन्म दिया। मेहरबानो जब भगत सिंह की माँ कहने लगी कि लाल आज कोई दर्द तो नहीं है, कहता है कि माँ दर्द की शिकायत तो नामर्द क्या करते हैं, माँ दर्द की शिकायत तो नामर्द क्या करते हैं, और हम तो वो मर्द हैं जो दर्द को भी खरीद लिया करते हैं। आइए कैसे कहते हैं भगत सिंह। जननी माँ तने जन्म दिया, ना तेरा दूध ल जाऊंगा, थोड़ा दिल मत करे माँ तुम्हें हंस के फांसी खाऊंगा, अरे थोड़ा दिल मत करे माँ तुम्हें हंस के फांसी खाऊंगा। तुम्हारी खुशी घड़ी मने आज देश की खातर प्राण गवाऊंगा, उन्हें कह देना मैं मर के भी भारत आजाद कराऊंगा, उन्हें कह देना मैं मर के भी भारत आजाद कराऊंगा। तुम्हारी बालकपन में सुना करूं था, बालकपन में सुना करूं था, आज वही मल्हार सुना दे, जाते जाते भगत सिंह के गीत तुसी के गा दे, और जाते जाते भगत सिंह के गीत तुसी के गा दे। देखिए भाई मेहरबानो, मास्टर सेलक राम कसाना जावनी आदरणीय मामा जी 2100 रुपए से हमारी पार्टी को सम्मानित करते हैं, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। तो प्रेमियों तीसरी बात में, जब एक खत बहना का भगत सिंह को मिल जाता है तो भगत सिंह से कहती है बहना कि भाई मेरे लाडले भाई, आज तू इस जहान से चला जाएगा लेकिन कल राखी का त्योहार है भाई, किसको कहेंगे राखी किसको बांधेंगे। तो भगत सिंह कहने लगा बहना क्या लगता है भाई चल दिया फांसी खाने के लिए, बहना क्या लगता है भाई चल दिया फांसी खाने के लिए, नहीं तेरा भाई जा रहा है आजादी को भाने के लिए, घबराना मत बहना मैं जल्दी वापस आऊंगा और अपने देश में आजादी को ब्याह कर वापस लाऊंगा, हो जाएगा अगर उस दिन तुझको भाई पर अपने, जिस दिन पूरे हो जाएंगे भारत माँ के सपने, कैसे अपनी बहना जी कहना चाहते हैं। मत ना रोवे बहन मेरी री, मत ना रोवे बहन मेरी, तू क्यों मन में घबराई, राखी के दिन सपने में आवेगा तेरा भाई, हर राखी के दिन सपने में आवेगा तेरा भाई, तुम्हारी जो मांगेगी सो दूंगा तुझे राखी की बंधाई, हंस के कर दे विदा आज मेरी हो जा धीर बंधाई, अरे हंस के कर दे विदा आज मेरी हो जा धीर बंधाई, तुम्हारी लाखों है तेरे भाई देश में, लाखों है तेरे भाई देश में, भारत माँ बता दे, जाते जाते भगत सिंह के गीत खुशी के गा दे, और जाते जाते भगत सिंह के गीत खुशी के गा दे। और देखिए भाई साथियों, हमारे बड़े भाई बबली नागर उर्फ पवन नागर दुजाना भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, भाई बबली नागर जी 5100 रुपए इस नागरी पर खुश होकर दे रहे हैं, भाई साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं। और आखिरी बात में मेहमानो, आजकल के युवाओं को जब हम लोग देखते हैं तो धर्म के या देश के किसी कामों में उनकी भीड़ नहीं दिखाई देती, युवा यदि मिलते हैं तो शॉपिंग मॉल और पिक्चर हॉल में दिखाई देते हैं, तो बहुत सुंदर बात एक कवि ने कही है, अरे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, साथियों क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन मिलेगी तेरे दफन।
मरना है तो मरिए इस देश वतन के लिए। हर हसीना अपना दुपट्टा फाड़ देगी तेरे कफन के लिए। हर हसीना अपना दुपट्टा फाड़ देगी। क्या बात है। और कितना सुंदर तकत सजा माँ, कैसी अजब बहार लगे। माँ से कहता है सरदार भगत सिंह के माँ, जिस छोटे को तू फांसी का फंदा समझ रही है, ये मुझे फूलों के जैसा हार लगता है। और ये हाथों में जो हथकड़ियां लोहे की जंजीरें देखती है माँ, इनमें मुझे कंगन के जैसा भार लगता है माँ। लेकिन एक बात है माता जी, यदि आज खुश होकर भारत माँ कहती है कि भगत सिंह दूल्हे के जैसा लग रहा है, तो माँ 100 बार जन्म लूंगा और इसी तरह फांसी के फंदे को देश के लिए चूमने का काम करूंगा। कैसे कहता है आखिरी बात में। और कितना सुंदर तकत सजा है, कितना सुंदर तकत सजा है माँ, कैसी अजब बहार लगे। फांसी का दिखे फांसी का फंदा माता, मुझे फूलों जैसा हार लगे। और फांसी का फंदा माता, मुझे फूलों जैसा हार लगे। कोई हाथ हथकड़ी ना लगती, मुझे कंगन जैसा भार लगे। कहे भारत माँ, कहे भारत माँ, दूल्हे जैसा मेरा भगत सिंह सरदार लगे। कहे भारत माँ, दूल्हे जैसा मेरा भगत सिंह सरदार लगे। बैठी कम ना करे वीरों का रे, कम ना करे वीरों का, जग में प्रचार करा दे। और जाते जाते भगत सिंह के गीत खुशी के गा दे। जाते जाते भगत सिंह के गीत खुशी के गा दे। और अगर पड़ोसन बुलवाए भगत सिंह के गीत खुशी के गा दे। और जाते जाते भगत सिंह के